नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बसपा में यानी कि मायावती की पार्टी में बिहार के दो बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी तो बढ़ेगी ही, साथ में महागठबंधन भी परेशान हो जाएगा। पहले बात कर लेते हैं जहानाबाद लोकसभा सीट की, जहां पर जदयू और आरजेडी की लड़ाई है, लेकिन अब यहां पे मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है, क्योंकि जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि कुछ दिनों पहले तक चिराग पासवान की पार्टी में थे, अब बसपा में शामिल हो सकते हैं। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। डॉक्टर अरुण कुमार मायावती की पार्टी में जल्द कल शामिल हो सकते हैं और हाथी की सवारी करते हुए वो नजर आ सकते हैं। तो जहानाबाद में बड़ा खेल होने जा रहा है। डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि जहानाबाद से लगातार चुनाव लड़ते रहे, फिर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में शामिल हुए, लेकिन जब लोजपा रामविलास के खाते में जहानाबाद नहीं गई, तब अरुण कुमार ने लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया और वो हर हाल में जहानाबाद से चुनाव लड़ना चाहते थे। बीच में कांग्रेस के से भी बातचीत हो रही थी कि आखिर कांग्रेस के तरफ से यह कहा जा रहा था, मतलब कि महाराजगंज से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है कि डॉक्टर अरुण कुमार बसपा में शामिल होंगे। दूसरे बड़ा जो नाम है वो नाम है प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह, जो कि राजद में शामिल थे, उनका परिवार शामिल था, लेकिन रणधीर सिंह ने बगावत कर दिया। बगावत इसलिए कर दिया कि महाराजगंज लोकसभा सीट, जो पहले आरजेडी यहां से चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन इस बार उसे कांग्रेस के खाते में दे दिया गया और कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार को यहां से उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में रणधीर सिंह जो है बसपा में शामिल हो सकते हैं, बातचीत चल रही है। हालांकि अभी तक यह खबर कंफर्म नहीं हो पाई है कि वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बातचीत चल रही है कि रणधीर सिंह महाराजगंज से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, बसपा का प्रभाव अभी भी बिहार के उन सीटों पर देखने को मिलता है जहां पर रविदास वोटों की संख्या अधिक है। इसके अलावा वो सीट जो कि उत्तर प्रदेश के सीमा से सटा हुआ है, जैसे महाराजगंज, यहाँ पर भी उनके अच्छे खासे वोटर हैं। महाराजगंज की बात करें तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बसपा के खाते में 30 से 40 हजार वोट बैंक रहा है। 30 से 40 हजार वोट जो है बसपा पार्टी के उम्मीदवार को मिलता रहा है। इससे पहले बसपा के टिकट पर लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव भी महाराजगंज से चुनाव लड़ चुके हैं। तो रणधीर सिंह, जो कि राजपूत जाति से आते हैं और प्रभुराज सिंह के बेटे हैं, जो कि महाराजगंज के पूर्व सांसद रहे हैं, करीब 6 बार सांसदी का चुनाव जीते हैं, बाहुबली हैं, तो उनका परिवार का दबदबा इस क्षेत्र में रहा है। तो यानी कि रणधीर सिंह के तौर पर बसपा को एक मजबूत उम्मीदवार महाराजगंज में मिल सकता है। डॉक्टर अरुण कुमार का अपना जन्मधार है, भूमिहार जाति से आते हैं, जहानाबाद, जिसे भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन कुछ टर्म्स जो है यहाँ पर जदयू के तरफ से चंद्रवंशी जी को उम्मीदवार बनाया जा रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं भूमिहार जाति में नाराजगी रहती है कि आखिर हमारे जाति का कोई उम्मीदवार यहाँ पे क्यों नहीं आता। तो डॉक्टर अरुण कुमार ये एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। जो भूमिहार नाराज हैं, एनडीए से नाराज हैं, वर्तमान सांसद से नाराज हैं, वो अरुण कुमार के पक्ष में वोट कर सकते हैं। तो इंतजार कीजिए कि कल या परसों, 2 दिनों के अंदर इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। रणधीर सिंह महाराजगंज से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो जहानाबाद से डॉक्टर अरुण कुमार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।